अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज का जो वीडियो है वो बड़ी घरेलू टाइप है। किचन में बन रहा है भुना हुआ गोश्त और बहुत मज़े का है। तैयारी पे मत जाइएगा, एड्डा तैयार होके मैं वैसे हांडी बनाने चली। ये वीडियो मैं बाद में कैप्चर कर रही हूँ। तो वीडियो है हमारी मटन के ऊपर। मैंने मटन का कढ़ाई नहीं बनाई, मैंने कोरमा नहीं बनाया, मैंने उसका भुना हुआ गोश्त बनाया। और इतना कोई आसान है ना, कुछ चौंचले नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम कहें कि जी नहीं मिल सकता या बाज़ार से आना पड़ेगा। बस आपके पास मटर होना चाहिए और घर के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और वो हरी मिर्चें, बस। तरीके सारे करते हैं, चलते हैं वीडियो के। ये गोश्त है और इसको हमने मेल्ट करने के लिए रख दिया। जैसे थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको वेट पर लगाएँगे, लेकिन सारा नहीं बनाना, इसमें से मैं हाफ बना। ये प्याज है और इसको मैंने कोई सा भी कट करके रख दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जैसी कटिंग रखनी है, क्योंकि इसमें वेट लगना है और वेट लगने के बाद से सारा मैंने गोश्त मेल्ट हो गया था। थोड़ा सा पानी डाला है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च और हल्दी, बस। इसमें हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये मटन है तो इसमें पानी कम लगेगा, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि मैंने ज़्यादा डाल दिया। अब इसको लगाते हैं वेट और उसके बाद कुकर को चढ़ा दिया है हमने चूल्हे पर। अब बस हम वेट करेंगे और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हम भूनेंगे। बाय जी। ये वेट से मैंने हटा लिया 10 मिनट के लिए, मटन का वेट इनफ होता है। और लेकिन मैंने चेक किया है, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा सख्त है, लेकिन वो इस पानी खुश्क होने में चला जाएगा। हमेशा मैंने इसे पानी ज़रा डाल जाता है लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इसको ज़रा सुखाएंगे पानी को, ज़रा ये पानी खुश्क हो। स्टोव को हमने ज़रा हाई फ्लेम पर कर दिया और अब हम इसका वेट करेंगे कि जल्दी जल्दी से ये पक जाए। चलें जी, पानी हो गया इसका खुश। मैंने वैसे इसको दोबारा वेट लगाया था, मेरे जहन में ये था कि ज़रा सा भी अगर ये वो हुआ सख्त तो मज़ा नहीं आना। बहुत ही आसान है। वो लड़कियां जो समझती हैं कि पता नहीं ये मटन कढ़ाई या कोरमा जो आप बनाते, कोरमा तो वो होता है चले आपने जिसमें शोरबा रखना है, मैंने कढ़ाई टाइप बनाई है, भुना हुआ गोश्त से बोलते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये बहुत ईजी टू कुक है। और किसी टाइम पे मैं भी समझती थी कि शायद मुझे नहीं आएगा। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, अभी हम इसमें ऑयल इसमें डालते हैं। ऑयल ये है ऑलिव ऑयल, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। ठीक हो गया और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ और धनिया। ठीक है, बस हमारा ये मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तकरीबन तैयार हो जाएगा। मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी है, अब हम इसको चूसेंगे, खाएंगे।